अर्चना जी कहते हैं एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते. हाउ डिस्गस्टिंग. लेकिन आज जो मेहमान यहाँ आने वाले हैं वो एक लड़का और लड़की होने के बावजूद ना सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त हैं बल्कि बहुत पुराने दोस्त हैं. सो इन्होंने साथ में बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी हैं और आने वाली फिल्म दे दे प्यार दे में ये फिर से एक साथ दिखाई देंगे. सो प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड वेरी ब्यूटीफुल माय फेवरेट तब्बू एंड द सुपरस्टार वन एंड ओनली अजय देवगन. अजय सर तब्बू आपका बहुत बहुत स्वागत है. अच्छा अजय पाजी जब भी आते हैं और हमेशा ज्यादा ही फिट नजर आते हैं. तुझे भी आजकल घर पे खाने को मिलता नहीं है. Guys, it means I am losing my weight. Yes. तब्बू आप तो और श्रिंक हो गई पहले से है. आपके शो पे आने के लिए ना बहुत कॉन्शियस होना पड़ता है. इतनी आपकी टीआरपी व्यूअरशिप आप हैंडसम तो मतलब ये शो का पहला झूठ. तेरे साथ तो फ्लॉट कर नहीं सकती. क्यों नहीं कर सकती. क्यों नहीं कर सकते. वैसे ना ऐसा लगता है फ्लर्ट करने की कोई एक्सपायरी डेट थोड़ी होती है. पर ऐसा लगता है आपके हाथ में कोई फॉर्मूला लगा है. मतलब जब भी मिलता हूँ और ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा पतली कोई ऐसा फॉर्मूला है तो अर्चना जी को बता दो. बहुत टाइम लगाती है मेकअप में. सीरियसली जैसे आज शूट है तो कल शाम को ही आ गई थी. तू शो के बाद मिल मुझे. पाजी एक्चुअली ट्रेलर बहुत ही मजेदार है. सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई. अच्छा अजय सर अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है. हर कोई वोट मांग रहा है. आप अकेले ही हैं जो प्यार मांग रहे हैं ना. तो फिल्म में दो हीरोइन है मतलब क्या हिसाब था. मतलब थोड़ा और खुल के बताएंगे हमारी जनता को फिल्म किस बारे में है और कौन किससे प्यार मांग रहा है. आपको तो मिल ही रहा है. सर सब इनसे प्यार मांग रहे हैं बेसिकली. पुराना प्यार है इनके पास, नया प्यार है, बच्चों का प्यार है, सब इनके पास है. बहुत चॉइस है. वैरायटी होनी चाहिए ना. जिंदगी तो आपकी है हम तो ऐसे ही हैं. तो ये बातें बड़ी मजेदार. आइए सर प्लीज आपका बहुत बहुत स्वागत है. अजय सर और तब्बू की साथ में जो फिल्में आई हैं बड़ी मजेदार. आप सबको पता है विजय पथ हकीकत गोलमाल फोर दृश्यम इतनी सारी सुपरहिट फिल्में आपने साथ में की हैं. तो मेरी शादी में क्यों नहीं आई आप. आपने मुझे रिजेक्ट किया किसी और से शादी कर ली और आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं. गरीब आदमी ना पता है उस होटल में खाना बड़ा महंगा है. हम लोग ऐसे रेडी पे खाने वाले लोग हैं. हम लोग अप्रोच ही नहीं करते जाते नहीं. पता है कि ना ही होनी है. और जब इनको फोन किया मैंने कहा मेरी शादी हंसने लग पड़ी. आपको क्या लगा था हमारी शादी हो नहीं सकती. एक्चुअली मैं भी फोन आया था शादी के लिए. मैं भी यहाँ था नहीं. तो बोला सॉरी यार आई एम आउट ऑफ टाउन नेक्स्ट टाइम आ जाऊंगा. तो मैं ये कह रहा था कि तब्बू मैम और अजय सर ने बहुत सारी फिल्में साथ में की हैं और ये बहुत पुराने दोस्त भी हैं. मैम वैसे कभी एक्चुअली हमने पूछा नहीं कभी मौका नहीं मिला. आप कब से जानते हैं. आई थिंक जब से पैदा हुए तब से जानते हैं. अच्छा. और इनको एक्टर कभी नहीं बनना था. ही वांटेड टू बी अ फिल्म मेकर है ना. मैं बहुत कुछ करता था. आई वाज एन असिस्टेंट डायरेक्टर बहुत. तो और एक्टर इन द सेंस जो पहली फिल्म थी आई वाज एंजॉयिंग आई वाज इन कॉलेज. तो मुझे ऐसे लगा कि अब वक्त है काम शुरू करने से पहले. अब जो मैं कर रहा हूँ एंजॉयिंग माई सेल्फ. फिर जबरदस्ती मेरे डैड ने पिक्चर शुरू की. क्या बड़ी अच्छी जबरदस्ती हुई आपके साथ. हमारा फायदा. बिल्कुल बिल्कुल हमारा फायदा हो गया. चार पांच सक्सेसफुल फिल्में कर ली. इतना शार्प मुंह कैसे हो गया आपका. मैं कब से देख रहा हूँ. जब पिछली बार आई थी पतली लग रही आज और भी हैं. आप क्या डाइटिंग करती हैं क्या करती हैं. बेसिकली मुझे लगता है तब्बू में और तुझ में एक ही फर्क है. क्या. प्लेट के साइज का. क्वार्टर प्लेट आती है ना छोटी. हाँ जी. तू उसमें खाना खाया कर. क्वार्टर प्लेट चार पांच बार. हाँ चार सर पे तोड़ लेना. बंदे को ना इतना शौक है ना. ये कॉफी पहले भी तो दे ही सकता था. शूट शुरू होने से पहले बीच में आता है. और मेकअप भी किया हुआ देखो. आज किया है इसने. करेक्ट. रियली आज किया है मेकअप. पाकिया सीरियसली बताना मेकअप किया ना तूने. हाँ. जब करते थे पूरे बाजू बाजू अभी. अब यहां पे किया नहीं. मुंह पर्पल कलर का हो गया इसका.
हाँ अजीब सा ही चमक रहा था। अच्छा अजय सर एक बात पूछनी थी, जैसे आप साथ में पढ़ते थे ऐसे मेरे जैसे पढ़ते नहीं थे? पढ़ते कभी नहीं थे। पढ़ा कौन है? मतलब स्कूल कॉलेज जाते थे? ये कुछ और पर्पस से कॉलेज जाते थे अपनी ओपन जीप में, वो बाद में बताओगी आप। अच्छा मतलब आप वैसे नॉर्मल एंट्री कभी लाइफ में लेते ही नहीं? उसमें एक जीप थी कि दो जीप पे खड़े होकर जाते थे? आज नॉर्मल एंट्री ली ना? आज नॉर्मल एंट्री ली। बिल वो आपका कसूर नहीं है, वो हमारा बजट कम है। आज भी नॉर्मल ली। बजट कम। आज मैंने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ एंट्री। ये तो है। तो अरे सर कॉलेज में आपके दोस्त बोलते नहीं थे कि यार फ्रेंड से हमारी भी दोस्ती करवा दो ऐसा? नहीं मतलब नहीं, ये तो उल्टा था। अच्छा मतलब कांपते थे सब लोग ना, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा एक घेराव करके रखा था मेरे आसपास ना। अच्छा। इनको दूर दूर से मालूम होता था कि ऐसा कुछ है, इम्कान है, कुछ चक्कर है, तो लोग वो शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते थे मुझे। आपको ये बात अच्छी लगती थी कि बुरी लगती थी? सर मुझे पता ही नहीं पड़ा इतने साल ना कि क्या हुआ। क्या हो गया? अच्छी बुरी लगे क्या फर्क पड़ता, चॉइस ही नहीं था। मेरी चॉइस पे सब बिल फाड़ते सर। कई बार ना दोस्त अच्छाई अच्छाई करने के चक्कर में सामने वाले को नुकसान करा देते। अच्छाई करने के इंटेंशन से नहीं करते थे। अच्छा। पता नहीं क्या था इनका इंटेंशन ना, सारे मतलब सारा मेरा एक फैमिली और ये उनके स्पाई थे एक्चुअली। आपको पता है आपने कितना नुकसान किया अपने दोस्त का? अभी तक सर, अभी तक उसका यू नो हर जाना दे रही हूँ मैं। ठीक है दोस्ती के नाम पे क्या कर सकते हैं, फ्री है Actually. जो चाहे कर सकती है लाइफ में। वो तो है। वो तो मेरा फ्यूचर का ख्याल करके ऐसे किया इन्होंने। तब किसी को पकड़ लेती आज रो रही होती, कंधा हम दे रहे होते। वो भी सही है Actually. इन लोगों के पास ही जाती फिर उसको भी मारते हैं। आंसू की वजह से लॉन्ड्री में कपड़े हम भेज रहे होते। अरे सर एक्टर तो है ही, ये फिल्में डायरेक्ट भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, इतना ही नहीं बचे हुए टाइम में एनिमेटेड फिल्मों में जाके अपनी आवाज भी दे आते हैं। अरे सर आपको काम करना ज्यादा अच्छा लगता है घर जाने से डर लगता है आपको? जनता का सवाल है तो शादी के बाद इसके सवाल बदल गए। आदमी बदल गया है तो होता है, आदमी बदलता है थोड़ा थोड़ा। पहले हम दूसरों की लाइफ ऑब्जर्व करते थे, अब प्रैक्टिकल हो रहा है तो आइडिया तो लगता है। अच्छा शुरू में तकलीफ होती है, आदत पड़ जाती है। मैं सही बताऊं तबू आपको जी, शादी ना सिर्फ शादी वाले दिन ही अच्छी लगती है। सब आए होते हैं, नाच गाना चल रहा होता है। हाँ, पता नहीं उसके बाद सब चले जाते खा पी के, फिर एक दूसरे बोलते चले हाँ चलो, फिर वही डेली रूटीन। डर से याद आया, जैसे आपको मैंने सुना डर लगता है वैसे बाथरूम लॉक हो जाने से? नहीं नहीं बाथरूम से लिफ्ट नहीं, लिफ्ट में ऐसा कुछ? लिफ्ट का मुझे प्रॉब्लम है, बिकॉज़ एक बार मेरे साथ एक हादसा हो गया था, तीसरे अच्छा। या चौथे माले से लिफ्ट क्रैश होके बेसमेंट में चली गई थी। बाप रे। और 1.5 घंटा हम लोग फंसे रहे थे, तो उसके बाद एक क्लॉस्ट्रोफोबिया सा हो गया। उसके बाद मैंने लिफ्ट में चढ़ना बंद कर दिया, जहाँ जाओ सीढ़ियाँ चढ़ के जाता। ये एक्चुअली मैंने सही कहा, लिफ्ट से डरते हैं। मुझे जब किसी ने बोला ना, मैंने भी उनको बोला, मैं कहा यार ऐसा नहीं हो सकता कि बाथरूम लॉक करने से आदमी क्यों डरेगा, खुला बाथरूम नहाए आदमी तो खुली किताब कोई भी पढ़ जाए। नहीं मतलब तो ठीक है, बहुत कम लोग जानते हैं कि एक टाइम ऐसा भी आया था बीच में, अजय सर ने 15-16 फिल्में एक साथ शूटिंग कर रहे थे, है ना अजय सर? आई थिंक शुरू के 10-12 सालों में हम सबने किया है, अक्षय ने और मैंने ज्यादातर। या इतनी सारी फिल्में एक साथ, क्या बात है यार, पहले तो इसी बात पे तालियां बनती हैं। तो सर 14-15 फिल्में एक साथ, मतलब आपने उस बात पे यकीन कर लिया था कि 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है? नहीं, मुझे लगता है जैसे मैंने कहा कि अक्षय और मैं ज्यादा करते थे जी, आई थिंक दोनों की फैमिली जो पंजाबी फैमिलीज है ना, बचपन में बहुत घी बादाम खिलाए हमको जी, एनर्जी ज्यादा थी एक्चुअली, तो उस वजह से शायद हम लोगों ने ज्यादा की। नहीं बहुत अच्छा है सर, आप जितनी ज्यादा फिल्में करें हमें तो और खुशी, हमारे एपिसोड बन जाते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा फिल्में करिए। तो अजय सर वैसे इतनी सारी फिल्में, कपड़े बदलने का टाइम लगता था आपको? यार सच्ची बताऊं जी, काफी ऐसी फिल्में हैं
जब हम तीन तीन शिफ्टें करते थे, सुबह 7 बजे से लेके 2 बजे तक, 2 से लेके 10 बजे तक, और कई बार रात को 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक. बाप रे. तो ये तो आज इतनी फैसिलिटीज हैं, मेकअप वैन्स हैं, थिंग्स लाइक दिस है. तब उसे पूछो, जब पहले हम शूटिंग करते थे, ना कोई जगह बैठने की होती थी, ना कुर्सियाँ होती थी, ना वैन्स होती थी. इनको कपड़े चेंज कर, लड़कियों को तो कपड़े चेंज करने के लिए जो इनके जो इनका जो स्टाफ होता था और जो हेयर ड्रेसर और सब होती थी, वो बेचारी ऐसे चादर पकड़ती थी, आजकल चादरें पकड़ती थी ऐसे सड़क के बीच में. इवन जब वॉशरूम नहीं होते थे आपके टाइम पे, तो मैंने सुना कैमरे भी नहीं होते थे. Coming to the point, honestly, काफी ऐसी फिल्में जब हम तीन तीन शिफ्टें करते थे, तो हम अपनी सुबह से जीन्स जो पहन के घर से जाते थे, उसी में तीनों फिल्म की शूट करते थे. जूते जीन्स सेम होते थे, ऊपर का टॉप शर्ट चेंज की, जैकेट पहन लिया. प्रोड्यूसर बड़े खुश होते होंगे कि एक ही पैंट में काम निपटा रहे हैं. हाँ, बड़े खुश. और पैंट एक है तो ऑब्वियसली मतलब बिलो द बेल्ट और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं थी कहने का मतलब. पर यार ये बड़ा हम हंस रहे हैं ये बातें करके, पर उन लोगों से पूछो जिन्होंने ये भुगता है. मतलब इतनी गर्मी में, कभी कभी बहुत सर्दी में शूट कर रहे हैं और कोई जगह ही नहीं है. सर ऐसे थोड़े ना सुपरस्टार बने हैं. तो मैं वहाँ बहुत कम फिल्में करती हैं, पर जो भी करती मजा आता है. मतलब कमाल की फिल्में करती हैं. आप ज्यादा फिल्में किया करें, आपके फैंस आपको हर हफ्ते देखना चाहते हैं. हर हफ्ते बहुत अच्छा लगता है. शो में बुलाएंगे हर हफ्ते. अरे आप बताओ, आपके घर के पास सेट लगा लें हम. पर फिल्म तो एक हफ्ते में नहीं बनेगी ना. फिल्म के लिए तो 1-2 महीने चाहिए, फिर 1-2 महीने के बाद फिर एक हफ्ते आएंगे. जरूरी नहीं है जो लोग सिर्फ फिल्में करते हैं, कई लोग ऐसे भी कुछ भी नहीं करते, हर हफ्ते आते हैं. अर्चना, आई लव यू. अरे सर ने फिल्मों में बड़े बड़े स्टंट किए हैं, आप सबको पता है. फूल और कांटे में 2 मोटरसाइकिल पे आते हैं, सन ऑफ सरदार में 2 घोड़े पे, फिर शिवाय में भी आपने जो लिप टू लिप स्टंट किया एक. मेरे गांव में उसको स्टंट नहीं बोलते, आपके गांव में शायद उसको स्टंट बोलते. नहीं, एक्चुअली स्टंट नहीं था, इनके होंठ 2 होठों के बीच आ गए थे. सर मतलब जब आपको स्टंट करना अच्छा लगता है, पर्सनली दिल से अच्छा लगता है, डायरेक्टर आपको बोलते हैं कि आइडिया आपके होते हैं? नहीं, एक्चुअली अच्छा लगता है. पहले बहुत अच्छा लगता था, अब ये करने में मजा आता है कि जो मैं तब कर सकता था अब भी कर सकता हूं. ओह, दैट्स अ नाइस चैट. सो उसके इट्स अ डिफरेंट हाई. आपको पता है, लोग कल्पना करते हैं कि इस बार अजय सर कैसे स्टाइल से आएंगे, किस तरीके से एंट्री होगी. तो लोगों ने अपनी कल्पना के हिसाब से, बहुत सारे लोग होते हैं, उन्होंने कुछ ऐसे पोस्टर्स डिजाइन किए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं. तब मैम प्लीज आप देखिएगा जरा जी, कि आपकी आने वाली फिल्मों में ऑटो रिक्शा, 2 ऑटो रिक्शा पे एंट्री हो रही है. आगे और भी हैं. क्या है? साइकिल रिक्शा 2 साइकिल रिक्शों पे और भी है. 2 सब्जी की रेडियो पे आपकी एंट्री हो रही है. और अच्छा, ये कुणाल खेमू और श्रेयस तलपड़े हैं. गोलमाल की एंट्री आपकी ऐसे प्लान करिए. और आगे, ओहो ये तो अर्चना जी है. दोनों आर्म रेस्ट पे अपने पैर रखे ताकि कोई आके बैठ ना जाए. यार मैं, ये किसने किया, किसका आइडिया था ये? हमारा भी बजट है, हमारी भी टीम है. हमने बंदे रखे हुए. तो मुझे क्यों डाउनग्रेड कर रहा है? मैं बाइक से गाड़ियों पे गया, गाड़ियों से मैं घोड़ों पे गया. नहीं, ये हमने नहीं किया. जा रहा हूं तू मुझे रेडी पे, ऑटो पे, मतलब चाहता क्या है? सर देखिए, जो आदमी जैसा है उसकी सोच वैसी है, अभी क्या करें. ये तो फ्रूट भी हमने लड़ झगड़ के रखवाए, ये तो फ्रूट भी नहीं रख रहे, फ्लावर पॉट रख रहे थे. मैंने कहा हम क्या गुलाब निकाल के खिलाएंगे किसी को, थोड़ा फ्रूट रखो. तो ये असली है, तब आप खा भी सकती हैं. तो नहीं मारा इस पे. पहले ऐसे करते थे प्रोड्यूसर्स ना, शूटिंग के सेट पे जो खाना वाना रहता था, कोई ना खाए. हमारे शो में खास तौर पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि पैकअप के बाद तो ये अर्चना ही सारा खा जाती हैं. तब मैं और जैसे अजय सर बहुत कम बोलते हैं, आप तो इतने सालों से जानते हैं, ये शुरू से कम बोलते थे कि शादी के बाद ऐसे हुए? नहीं शुरू से कम बोलते थे, तो शादी भी उन्होंने ऐसे देख समझ के की कि जहाँ उन्हें बोलना बिल्कुल ना पड़े. अच्छा.
तो क्योंकि अजय सर बहुत कम बोलते हैं इसलिए अपने बारे में ज्यादा कुछ बताते भी नहीं है, तो तब्बू जो है इनकी पुरानी दोस्त है, तो इसलिए आज हम इनसे इनके बारे में कुछ सवाल करेंगे। मैम कुछ सवाल है जो जनता ने रखे, मेरे नहीं है ये। तो अजय सर पढ़ाई में कैसे थे, कितने नंबर लाते थे, एनी आइडिया? पढ़ाई करते थे यार, मैं पास हो जाता था। ये काउंटर क्वेश्चन है या आंसर है आपका? तो कैसे पास करवाते थे अपने आप को, वो अलग कहानी। अच्छा हाँ। कॉलेज में ये लड़कियों के पीछे होते थे, लड़कियां इनके पीछे? लड़कियां इनके पीछे। कॉलेज में, उसके बाद भी, इंडस्ट्री में भी। अच्छा ऐसा, मतलब यू नो इनको जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंदर से तो सोच के मजा आ ही गया होगा आपको। नहीं ठीक बात है भी, अच्छी बात है। अच्छा ऐसे तब्बू मैम ने बहुत बार बोला है कि ये ना जो अजय हैं ये हमेशा मेरे पास किसी लड़के को आने नहीं देते थे, मेरी शादी ना होने का कारण है कि ये भी हैं। तो आज हमारे शो पे ना हम एक ऐसा मौका देते हैं, अरे सर आज आपके हाथों ये अच्छा काम हो सकता है, शुभ काम। क्या? तो जो भी तब्बू जी को प्रपोज करना चाहते हैं आ सकते हैं मंच पे, आइए देखिए, अभी आपका स्वयंवर कराएंगे हम इनके अप्रूवल के साथ। तो एक एक करके आप अपना नाम बताइए और कहां से आए हैं ये बताइए। शुभोजित घोष। माइक से? कोलकाता से हूँ एक्चुअली, बट रहता यहीं पे हूँ सेंट्रल में। कोलकाता से? और करते क्या है? टेक्सटाइल का बिजनेस है। टेक्सटाइल का बिजनेस है, तो कपड़े तो फ्री में मिलेंगे। पर लड़का है बहुत सीरियस। ये भाई साहब कहाँ से आए? हरप्रीत सिंह बेदी। हरप्रीत सिंह बेदी? यस सर। कहाँ से आए बेदी साहब? कानपुर। कानपुर से आए जी। और करते क्या हैं आप? सर मेरी ऑटो चलती है। ऑटो? हाँ जी। आपके ऑटो हैं ऐसे रेंट पे जो होते हैं? जो रेंट पे है। ओके रेंट पे है। और ये आपका, आपका नाम क्या है? विवेक चराई पोत्रा। विवेक चराई पोत्रा। चराई? चराई पोत्रा। विवेक कौन सा पौधा? चराई पोतरा। चराई यार बड़ा यूनिक है नाम, मैं पहली बार सुना। और ये जो पीछे लौंडा खड़ा है, मेरा नाम है मयूर पटेल। हाँ जी मयूर पटेल। अच्छा मैं कहा मुन्नी पटेल, मुन्नी पटेल। मयूर पटेल जी सर। तो आप तब्बू को इंप्रेस करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप बताइए? अजय देवगन खुद सिलेक्ट करेंगे अपने हाथों से आपको। प्रपोज आप कर सकते हैं? प्रपोज इतने दूर से? दूर से क्या, गोद में बैठ के करोगे? दूर पास तो आएंगे ना सर। हाँ पास तो आ जाइए ना पास, हमने कहा रोका आपको। सिर्फ प्रपोज करना है, ज्यादा फ्रैंक नहीं होना। बेसिकली मैम यहाँ पे काफी सारे आशिक आए रहेंगे आपके, जिन लोग आपको बोलेंगे कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। हाँ जिन लोग, किन लोग, जो मतलब है काफी सारे हैं यहाँ पे, काफी सारे हैं। देखिए इनके तो फैंस की कमी होंगी नहीं। आप क्या तोड़ रहे हो? मैं कोई कुछ तोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं सलमान खान का फैन हूँ। अच्छा जी। तो बेसिकली ज्यादा बातें घुमाऊंगा नहीं। अच्छा, एकदम कट टू कट बातें करूंगा। अभी जैसे कि आपको टी बहुत पसंद है मैंने सुना है, चाय। हाँ चाय काफी अच्छा बना लेता हूँ, आपके लिए चाय बना सकता हूँ। 5 रुपए की चाय के लिए बेड़ा कर करवा ले अपना चाय। सुबह उठ के सबसे पहले तो चाय पियेंगे ना मैडम? जरूरी नहीं है, हो सकता है उनको कॉफी पीने का शौक हो। ना 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 ना, उनको चाय पसंद है, समझो। चाय पिला के गैस कर दो बीवी को अपनी को। ग्रीन टी पिला देंगे। गैस ऐसी बड़ी चीज है ना, बड़े बड़े रिलेशन खराब हो जाते हैं आप। अरे सीरियसली अगर किसी आदमी को गैस नहीं, आप उससे पूछो हाउ आर यू, बोलेगा या आई एम फाइन। किसी को गैस हो ना कैसे हो, एक्सप्रेशन नहीं आता सही। अच्छा तो चाय पिलाएंगे आप तब्बू को। और बेसिकली स्टार्ट वैसे ही होता है। देन फिर उसके बाद फिर मैडम फिटनेस फ्रिक लगती है। हाँ तो बेसिकली आपको जब जिम में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जिम के ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पर्सनली आपका वर्कआउट्स ले सकता हूँ क्योंकि उतना एक्सपीरियंस हूँ उस फील्ड में, तो आपका वो एक एडवांटेज हो गया। आपको बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक मैं आपके साथ हूँ। कोई आँख उठा के देख ले मैडम, कोई आँख उठा के देख ले, वो हो गया। शाम को आप शॉपिंग पे जाएंगे, आपको चाहिए उतना शॉपिंग कीजिए, आपका सब सामान उठाने के लिए रेडी हूँ मैं। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ मिल रहा है। टोटल मिला के ना आपने 22,000 का कोई पैकेज दिया है। हाँ, हाँ।
सर जी हमसे और एक्सपेक्ट भी क्या करोगे, 22,000 तो नहीं, बंदा लड़का कॉन्फिडेंट है घोष साहब, बाकी वो सिलेक्ट करेंगे अजय जी, वो हमें नहीं पता है, सबका देख के फिर ना। हाँ सबका देख के बिल्कुल। बेदी साहब आएंगे, बेदी साहब आइए। हेलो सर। बेदी साहब बैठिए, क्या हाल है बेदी साहब? ओ, मैं कब से देख रहा हूँ, मुझे लगा यहाँ पे चोट लगी है। मुझे भी, मुझे भी लगा। हाँ। कुछ अलग है। हाँ। हाँ, ये जो छोटी वाली पोर्टेबल दाढ़ी जो इधर इधर रखी है आपने, कलर क्या हुआ है? हैं? कलर है कलर। ऐसा क्या दिमाग में आपके आया? खाली बैठे पर पाजी शैतान के दिमाग लगा लिया। खाली मत बैठा, आज तो इधर रंगा, क्या पता कल को कहाँ रंग लो। बैठिए आप, बैठिए बैठिए बेटी साहब, बैठिए बेटी साहब। क्या वो फोल्ड नहीं होते घुटने? होते, बैठो ना, बैठिए बैठिए। आप आज तो बताइए, आप क्या कर सकते हैं तबू के लिए? कर तो पहले खड़ो, मैम के लिए गाना सोचा था। अच्छा, मुझे लगा कहता मैं उनके लिए खड़ा हो सकता हूँ। आपके लिए गाना, रॉकेट मार लग रहे हो आप, ऐसे गाना गाओ, टिक के गाना गाओ आंखों में देख के, ये को यार ऐसा लग रहा है, मौका मिलते ना पर्स मार के भागेगा ये। एक गाना तो गाना, मेरे को नहीं इतना पसंद आया, ये तो मेरी तरफ से ना है। और क्या, नेक्स्ट नेक्स्ट। बेदी साहब और कुछ बताइए कुछ। मैम वैसे भाई ने बोला ना, आपका भाई है वो? अच्छा, मैं मैम को जाने नहीं दूंगा कहीं, जो भी चाहिए होगा ना सब ऑन द स्पॉट, घर पे, घर से बाहर ही नहीं निकलना बाजी। कैद करके रखोगे? कैद करके नहीं, घुमाने तो कहीं भी नहीं जाएंगे, घुमाने तो जहाँ बोलो वहाँ जाना है, फुल एसी में। चेकोस्लोवाकिया फुल एसी में। फुल एसी में, तेरे एसी की तेजी तेरे। तो आप भी कतार में हैं, अब बाकी बाकी कंटेस्टेंट से भी हम पूछ लें जी। थैंक यू, सॉरी मुझे आपका नाम भूल गया। विवेक चिराई पोत्रा। विवेक चिराई चिराई बोरा, इट्स पी चिराई पोत्रा, चिराई पोत्रा, ओके। okay, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, बड़ा बड़ा अच्छा नाम है। थैंक यू जी विवेक। एक्चुअली हेलो मैम, ये क्या है जेब में हाथ, क्या कर डाल? गिरती पैंट गिर जाती? नो नो, पैंट ऐसे थोड़ा ऊपर बांधो ना, तो नाभि से एक इंच तक आनी चाहिए तुम्हारी, तो बस ये है कि अगर छींक आई तो गिर जाएगी। थोड़ा ऊपर बांधो इसको। हाँ विवेक बैठिए बैठिए आप। यस आप बैठिए, बैठ के बताइए। तो मैम कि मैं मूवीज देख रहा हूँ और मैम काफी टॉल हैं और काफी अट्रैक्टिव लगती हैं। काफी आप टॉल हैं और काफी अट्रैक्टिव लगते हैं आप अपनी मूवीज में। टॉल है, टॉल टैक्स बहुत ज्यादा है इधर, आपको पता है। आई विल अफोर्ड। थोड़ा फील के साथ ऐसा लगता हाउसकीपिंग वाले हैं, मैडम कुछ चाहिए आपको। हाँ तो आप भी बताइए विवेक, क्या करेंगे आप इनके लिए? आपको मैं प्रपोज करने के लिए, मेरा एक गाना है प्यार व्यार हो गया, तो मैं उसकी कुछ लाइंस आपके लिए बोलता हूँ। आपने लिखा है? यस सर। अच्छा वाह, प्लीज सुनाइए सुनाइए। बहुत अच्छा गाया यार आपने, आपको बहुत बहुत ये आप, थैंक यू। विवेक चराई पोत्रा। विवेक चराई पोत्रा, यही नेशन को बताना चाहिए। थैंक यू विवेक। थैंक यू सर। लास्ट में हमारे दोस्त एक और हैं। सर मयूर पटेल, मुन्नी नहीं, मयूर पटेल। मयूर जी, मयूर। हाँ सर। हाँ देख के चला गया। मयूर बैठिए सर, नजर नहीं हट रही है तो। हाँ जी क्या करें, तो ब्यूटीफुल। तो मैम यूजुअली आप कार में ट्रैवल करते हो? यूजुअली आई एम श्योर आपको बाइक राइड बहुत पसंद आएगी। मैं आपको बाइक पे घुमाऊंगा, मरीन ड्राइव, रिक्लेमेशन, और एक घूमी हुई है वो बाइक, देखा हुआ एरिया उधर ही, तो जब पैदा पली बड़ी हुई है बॉम्बे में। कार में घूमे होंगे, बाइक बाइक का एक अलग मजा है सर। बाइक पे घुमाया मैंने। सर कोशिश तो कर सकते हो। चलिए एक ये कैंसिल हो गया, बाइक वाला नहीं है, मांगता नहीं है। अच्छा और नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सर की फिल्म का एक डायलॉग है, मैं बोलना चाहूंगा मैम के लिए। उन्होंने ठीक नहीं बोला था सर, यहाँ भी तो कोशिश कर लेना। आने का अच्छा, कोशिश बहुत करते हैं आप जी। जी पटेल साहब। तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है, हाँ यही तो है सब निशानियां, हाँ इसी का नाम तो प्यार है। यार गाया था बहुत। ये तो आपने अपना शौक पूरा किया है। दो सिंगर तो मिल गए हमको। हाँ जी। एक बार छू लो। ज्यादा इधर छूना नहीं है। अरे सर दो दो सिंगर। हाँ जी तब्बू को मिल गए जी, बॉडीगार्ड, एक ट्रांसपोर्ट मिल गया। हाँ जी
एक घर का पूरा केयरटेकर मिल जी। चलो वेल ट्राइड। भिखारियों ग्रुप में मांगना शुरू कर दिया तुमने, हो नहीं सकता तुझे, आज पता चला है। मुझे पहले से पता, तेरा कुछ नहीं हो सकता। देख लो अर्चना जी, एंट्री में बाद में मारता हूँ, ये मेरी सासू माँ पहले बन जाते हैं और ताने मारने शुरू कर देते हैं। हाँ तो जब बहू ऐसी होगी तो वो ताने मारेगा ही ना। अर्चना जी आप भी इसकी तरफ हो गए हो। मैं जो शो करूँ, ये जो शो करे, मैं इसी की तरफ रहती हूँ। अब समझ में आया, पैसा भी कोई चीज होती है। ये लेकिन ऐसा क्यों बन गया है? पूछो इससे। सर मैं शाका बना हूँ, जैसे आप दिल जले में शाका बने थे। शाका? अगर मुझे पता होता मैं ऐसा लगता हूँ तो मैं कभी ऐसी लुक ही नहीं करता यार। मैं ऐसा लग रहा था, नहीं ऐसा लग रहा कि 16 चुड़ैलों में झगड़ा हुआ है और ये फर्स्ट आई है। यार ब्यूटीफुल तब्बू जी बैठी हैं, अजय सर बैठे हैं, कोई अच्छी बात करो। सर मैं आपका सच में बहुत बड़ा फैन हूँ। जैसे आप दिलजले में शाखा बने थे ना, वैसे मुझसे अच्छा कोई शाखा बन जाए, मैं बहुत सर बहुत बड़ा फैन हूँ सच में। तो मेरे नाम क्यों खराब कर रहे हो ऐसे लुक करके? करने क्या आया चंदू? इधर अजय सर आए हैं, मैं इनको इम्प्रेस करने के लिए आया हूँ। तब्बू मैम आई हैं, मैं इनको इम्प्रेस करने के लिए आया हूँ। इम्प्रेस करने के लिए पर होता नहीं इससे। तो लगातार कभी बोलने दोगे तो इम्प्रेस करूंगा और शुमंतर से इम्प्रेस कर दूंगा मैं। तू तो लगातार बोल देगा, मेरे से लगातार घर पे नहीं ना बैठा जाएगा। सोनी टीवी को मानता है सैटरडे संडे। देखो आपको अकेले को नहीं मांगता, हम सबको मांगता है सोनी टीवी। क्यों भी ओए मेरी बात सुन बे, राजधानी एक्सप्रेस के इंडियन आइडल तू पीछे जो खड़ा है, इसको तो अकल है नहीं। तेरे घर में कोई सयाना नहीं है तुझे अकल देने वाला कोई? माइंड योर लैंग्वेज, मैं इसका गॉड फादर हूँ। लो जिसके खुद के फादर ने इसको घर से निकाला हुआ है और थैंक गॉड बोला, वो गॉड फादर बना हुआ है। वाह गॉड सन, इधर आओ गॉड। किसी यारे गहरे की बात पर ध्यान देना, हम सीधे जो हमारे गेस्ट हैं उनके साथ रूबरू होते हैं। अजय सर मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ। मैं सच में आज भी अमृतसर चला जाऊँ तो लड़कियां मुझे सिंगम सिंगम करके घेर लेती हैं। पूरी बात बता, सिंगम हिट हुई ना अजय सर, तो इसने सिंगम चाट भंडार के नाम से रेडी खोल दी। आप सिंगम में ऐसे से डराते ना, ये ऐसे ऐसे करके चाट बना दे। तो चाट भंडार का काम खोलना कोई बुरी बात होती है? सिमिलैरिटीज बहुत है मेरे और अजय सर में। क्या? जैसे क्या, क्या? इनका बर्थडे जो है मेरे दोस्त के बर्थडे के साथ होता है। इनका भी 2 अप्रैल को होता है, मेरे दोस्त का भी 2 अप्रैल को होता है। हाँ तो वो और सिमिलैरिटी, दूसरी ये सिमिलैरिटी है कि इनकी और मेरी कॉमेडी टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम है। गॉड फादर विदाउट सन हो गया। गॉड सन इज गॉन। खैर तब्बू मैम मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ। जब से मैंने आपकी फिल्म देखी है चीनी कम, मैंने अपने घर में चीनी कम रखनी शुरू कर दी है। रखनी क्या शुरू कर दी, जितनी चींटियों से छीन सकता है उतनी छीनता है। ये तेरे बाल किसे पंखे में आए, क्या हुआ क्या? आपकी इन्हीं बातों की वजह से मेरे अंदर का चंदू मर रहा है। और तेरी इन्हीं बातों की वजह से तेरे बाहर वाला चंदू मर जाएगा किसी। अजय सर जैसे दिल जले फिल्म में आपके अंदर का शाका जागा था ना, वैसे मेरे अंदर का भी शाका जाग रहा है। शाका नहीं, तेरे अंदर का रामू काका जाग रहा है। गलत मत बोल तू। चल बाहर जा, बड़ा पतीला बड़ा है, उसको धो के 2 कप चाय बना के लेके जा। चलो देखो कुछ भी बोलते रहो, लेकिन मैं दुनिया को यह बताना चाहता हूँ कि शाका पहले ऐसे शाका नहीं था। हाँ 6 महीने नहाया नहीं तब ऐसे बनाएगी। हाँ तो जब साबुन कोई और चुरा कर ले जाता तो शाका ने कहाँ से नहाना था? अजय सर सच में मैं भी कॉलेज में आपकी तरह बड़ा शरीफ था। कॉलेज गया था पहले? एक ही दिन गया और एक ही दिन में जाके जेंट्स टॉयलेट में अपना नाम रीटा लिख के नीचे नंबर लिखा है ये। इतना और सबसे पहले कॉल इसकी आई थी मुझे। हेलो रीटा, कैन आई स्पीक टू यू? मैंने बात करने शुरू कर दी, बीच में 3-4 बार इसने मुझे सोना भी कह दिया। हेलो सोना। एक रात आज सर मैंने इसके साथ बात कर लिया, अगले दिन घर में जाकर क्लेश डाल दिया, मैंने रीटा के साथ शादी करनी है। आए रीटा, वो तो बाद में पता चला कि रीटा नहीं ये तो टीटा है। मैंने तो वैसे ही घर वालों से बात की ना कि जब मुझे शादी करनी है, इसने डॉक्टर से बात कर ली।
कहता चंदू से चांद नहीं बनना हो तो कितने पैसे लगते हैं? अर्चना जी, जिसका दोस्त मेल को फीमेल बनाने में एक्सपर्ट हो उसको किसी डॉक्टर की जरूरत होती है? अजय सर, मैं ना इधर एक मकसद से आया हूँ। जब भी कोई सेलिब्रिटी आता है मैं हमेशा आता हूँ क्योंकि सामने एक लड़की रहती है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ और प्रपोज करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बात नहीं बनती। प्लीज आप थोड़ा सा मेरा साथ दे दीजिए। भूरी, किसने कहा था नाच के एंट्री देने को? तुमको तो मैं इंप्रेस करती हूँ नहीं, तो रहने दो। वेलकम बैक सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तबू मैम, वेलकम। थैंक यू। मैं आपको इतने सालों से देख रही हूँ और आप बिल्कुल भी नहीं बदले हो। यू आर लाइक दिस टाइमलेस इथीरियल ब्यूटी। थैंक यू। बदली ये भी नहीं आपको पता? मैं भी वही बोलने वाली थी। ये भी नहीं बदली, रोज शाम आज भी चिल्लम। 112 फीमची जो इसके दोस्त हैं, पूरा गैंग है इनका। बुरी, कब तक जमाने की बातें सुनती रहोगी? कलयुग में सच्चा प्यार और लाल कलिंगड़ किसी किसी को मिलता है। देखो, कलिंगड़ तो इंजेक्शन से भी लाल हो जाते, लेकिन तुम्हारे जैसे बंदे ना मेरे थप्पड़ से लाल हो जाएंगे। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। बिल्कुल सही कहा, थप्पड़ से डर कैसे लगेगा, रोज का काम जो है। सब्जी वाले के पास जाते हैं लोग, बोलते केले कैसे दिए, कहते केले कितने थप्पड़ में दिए। झूठ झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे। अजय सर, आपको बताऊं एक बात, गुस्सा मत करना, जिस दिन काजल मैम आई थी ना, ये शाहरुख खान बन के आया और ये काजल। कितनी बार कहा गेस्ट के सामने मेरी तारीफ मत किया करो। मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ। तूने जिस तरीके का शाहरुख खान किया ना, उनका सबसे छोटा बेटा अब्राहम मुक्का बना के घूम रहा है वो। कहता कौन है जिसने मेरे पापा की इतनी गंदी मिमिक्री की? इसीलिए मैं कहती हूँ, जो भी करो परफेक्शन के साथ करो। लर्न समथिंग फ्रॉम मी। हैं? वैसे तो हमारा कोशिश होती कि हम लोगों को हंसाए, पर ये जो इसने परफेक्शन वाली बात की है, आप चाहे तो इसका हुतुतु तोड़ दीजिए। हाँ? बहुत सुन ली जमाने की बातें बुरी, चंदू को हाँ कर दो इससे पहले मैं दिल जला बन जाऊं। तुम दिल जला बनो, जल जला बनो, उर्मिला बनो, मेरी ना है। यार एक मौका तो दो, देखो तुम्हें इंप्रेस करने के लिए मैं अजय सर की कॉपी भी कर रहा हूँ। जिस फोटो कॉपी वाली मशीन में इंक कम होती ना, उसकी ऐसी कॉपी निकलती बाहर। बुरी मेरी बात सुन लो, मुझे प्लीज हाँ कर दो, प्लीज। तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए बोलो? तुम एक्चुअली, मैं आइडिया देती हूँ, तुम मेरे नौकर बन जाओ, मैं तुम्हारी मालकिन। ये तो फिर पति पत्नी वाला साहब हो गया ना। ओ भिखारी एसोसिएशन के चेयरमैन। कुछ लाते हैं लड़की के लिए, गिफ्ट विफ्ट लाते हैं जब प्रपोज करने आते हैं। मैं एक बहुत पर्सनल गिफ्ट लेकर आया हूं बुरी, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी अच्छी स्पेशल रिंग लेकर आया हूं। ये विग मुझे चाहिए। एक घुटने में होता है, दोनों घुटने में भीख मांगने आए हो तुम? हाँ तो वही तो। ये किसकी साइज की रिंग है? मोहब्बत में साइज नहीं देखते। एक सेकंड, ये दीदी की रिंग है। दीदी ये पिछले हफ्ते से ढूंढ रही है चंदू। दीदी की रिंग चुरा के तो मुझे ही दे रहे हो। चुराई क्या मतलब, नाली में गिर गई थी। तुम्हें पता है 3 किलोमीटर तक मैं भी बहता गया नाली में, आसान काम नहीं है, फिर जाके हाथ में आई है। नहीं सही बोल रहे, जूहू वाले गटर में घुसा, दादर में निकाल के लाया जाके। हाँ कर दे उसको यार, हाँ कर दो, ताकि मैं बारात लेकर आऊँ। बारात? तुम्हारी बारात मैं निकालती हूँ। सर मैम, इफ यू एक्सक्यूज अस, मैं इसकी बारात। मुंह दिखाएगी रस्म हो रही है, तुम प्यार दिखा रही हो? नहीं नहीं, तुमको तो दोनों पड़ेंगे। अब वक्त है फिल्म दे दे प्यार दे में एक और अहम किरदार निभाने वाले स्टार को यहाँ पे इनवाइट करने का, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा द वेरी ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग एक्ट्रेस रकुल प्रीत। रकुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रकुल के लिए जोरदार तालियां हो जाए। काफी देर बाद मिल रहे हैं हम जी, काफी लास्ट टाइम आई थी जी। बच्ची बड़ी हो गई है। यार बच्चे ही थे, बहुत कुछ बदल गया है।
शादियां हो गई लोगों की, वो हालात रहे ही नहीं. हालात स्कूल से मैं वड्डी शराबन बन गई. देख लो, वक्त वक्त की बात है जी. पर उतनी प्यारी लग रही हैं आप आज भी. बड़ी हो गई हूँ मैं. बड़ी हो गई, एक्चुअली बड़ी हो गई रकुल. और रकुल सिर्फ एज में ही बड़ी नहीं हुई है, अपने काम में भी इतनी मेच्योर हो गई. बहुत सारी फिल्में करती हैं ये, और यहाँ पे तो हम देखते हैं हिंदी फिल्मों में, साउथ में भी ये सुपरस्टार है रकुल. आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपको. तो रकुल अपने किरदार के बारे में बताइए. हमने तो ट्रेलर में देखा, मजा आ रहा है देख के, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और बताइए आप. सो आयशा एक फ्री स्पिरिटेड गर्ल है, लंदन में काम करती है, शी इज इंडिपेंडेंट. और वो उनको अपनी अल्कोहल बहुत पसंद है. अच्छा. और लाइफ को वन डे एट अ टाइम जीना उन्हें पसंद है, एंड उस तरह का किरदार है. ऐसी लड़कियां फिल्मों में देखने को मिलती है, रियल में कहां मिलती है. आप किनसे मिलते हो? किसी से भी नहीं. आपकी कंपनी खराब है. मे बी. अर्चना जी आपकी कंपनी ठीक नहीं है, क्या बोल रही है? हम तो एक दूसरे को देख के बड़े हो गए इतने साल से देख रहे हैं. रकुल, वैसे आपका नाम बड़ा यूनिक है, रकुल प्रीत. कैसे कैसे पड़ा आपका नाम? रकुल इज एक्चुअली इनिशियल्स मेरे मॉम एंड डैड के नाम का. आर ए इज फ्रॉम माय मॉम, के यू एल इज फ्रॉम माय डैड, एंड आई एम अ कॉम्बिनेशन ऑफ लव. वाओ. अरे खूबसूरत लड़कियों के साथ ना इंसिडेंट भी बड़े मजेदार होते हैं. नाम भी देखो कैसा निकला, मम्मी पापा कैसे ज्वाइन. रकुल, मेरे पापा का नाम जितेंद्र, मम्मी का नाम जनक, दोनों का इनिशियल ब्लू, तो जा जा. अच्छा, अजय सर ने रकुल और तब्बू मैम के साथ फिल्म की है, तो जाहिर सी बात बहुत सारी चीज़ें जो आप इनके बारे में जान चुके होंगे. मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो कि अगेन दर्शकों की तरफ से आए हैं. तो पहला सवाल ये है कि दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम कौन लगाती हैं? अच्छा, रकुल और तब्बू के बीच. यार मैं शूटिंग करने जाता हूँ, इनको सूंघने जाता हूँ. ये सबसे स्ट्रॉन्ग लगाते हैं. अच्छा जी, आप शूटिंग करने जाती हैं कि इनको सूंघने जाती हैं? दोनों. सर बचपन से आदत पड़ गई है सर. बचपन में लगाते थे परफ्यूम? नहाते. आपके फैंस कह रहे हैं कि आपकी आंखें बड़ी नशीली हैं. लेकिन रकुल और तब्बू में से दोनों में से किसकी आंखें ज्यादा नशीली हैं? आई थिंक एक डेढ़ पे के, एक पौने दो पे के. दोनों में से कौन ज्यादा जोर से हंसती है? इन दोनों का पता नहीं, वो सबसे ज्यादा जोर से हंसती है. सही जवाब. बट काजल आल्सो. हाँ, काजल बहुत जोर से हंसती है ना. अगर मुझे कोई टक्कर दे सकता है, कुर्सी के लिए नहीं, हाँ सिर्फ हंसने के लिए, तो वो काजल है. ओके. ये दोनों में से तैयार होने में कौन ज्यादा टाइम लगाती है? मैंने तो बहुत कोशिश की, दोनों तैयार नहीं हुए, तू ट्राई कर ले. वाओ, व्हाट अ फ्लर्टेशियस आंसर. आई लाइक दिस. तो ये सवाल एक्चुअली जनता के भी नहीं थे, ये काजल मैम ने भेजे थे. तो मैं देखना चाहती हूँ किन पे नजर रख रहे हैं. इसलिए मैंने जवाब सोच समझ के दिए. कैसे क्या रे, किधर जा रहे ले? सेलिब्रिटी मैम, ये मेरा कस्टमर है मिस्टर सुलभ कुमार शौचालय. इसको मैं मसाज की AK-47 मसाज देखूं. सुअर से भी मोटा चमड़ी, मरा नहीं है. बहुत अच्छा, जा इधर से. एक्सीडेंट. ए भाग इधर से, चल. खैर दे दे प्यार दे का टीम आइला, जोरदार ताली हो जाए. मेरे को ना अजय सर का स्टाइल बहुत पसंद है. ये पहली पिक्चर में ऐसा दो बाइक के ऊपर आए, फिर मैं गोलमाल में हम लोग देखे ऐसा आज गाड़ी के ऊपर आए. आज दो दो हीरोइन लोग के साथ आए, जोरदार ताली हो जाए. सर मेरे को प्रोमो बहुत अच्छा लगा दे दे प्यार दे का. उसमें पूरी पिक्चर में आप बोल रहे दे दे प्यार दे, है ना सर? सर एक तरफ है तब्बू जी, एक तरफ है राकुल, फिर भी प्यार के लिए क्यों हो इतने व्याकुल? दोनों से प्यार मांग रहा हूँ. अच्छा आप तो प्यार मांग रहे सर, मेरे को ना सर, मेरे किधर से जाऊं मैं? हाँ सर, मेरे को ना हेल्प चाहिए था सर. खबरदार पैसे मांगे तो. अरे पिछली बार दिए थे ना. हाँ वही पैसा ही नहीं मांग रही सर. सर मैं बहुत परेशान.
क्या हो गया? मैं बहुत परेशान हूँ सर. नाला सुपर में ऐसा रोड पे निकलती है ना, मैं एक गुंडा आता है, मेरे को बोलता है मेरे साथ डेट पे चल तू. हाँ तो? तो मतलब तू चाहती कि ये तेरे लिए उस गुंडे से लड़े? नहीं नहीं, गुंडे को तो मैं हाँ बोल दिए. मेरे को तो अजय सर से आंकड़ों तोड़वाना था. सर मेरा छावा है ना उधर मुकेश. छावा मतलब? छावा मतलब बॉयफ्रेंड. अच्छा. हाँ वो उधर उसका वो बहुत फेमस है, आप लोग जानते नहीं उसको? नहीं. उसका उधर डुक्कर वॉशिंग सर्विस है. हाँ हाँ, सच्ची में सुअर धोने का काम है उसका. सच्ची में. हाय रकुल. हाय. अरे आपने पिक्चर में बहुत अच्छा डायलॉग बोले ला. वो क्या बोला था आपने? शौक उम्र देख के पालना चाहिए. हाँ, बड़े बुजुर्ग कहते हैं. हाँ हाँ, शौक उम्र देख. मेरे को ना डुक्कर पालने का बहुत शौक है. तो कौन सा उम्र में पालू मैं? ओए, ये कैसी फालतू बातें करने आई तू? फालतू बातें नहीं कर रही, आई लव डुक्कर. डुक्कर लोग के बारे में सोचना चाहिए ना मैम. सही बात है. कैसे रहते डुक्कर लोग? ऐसे कीचड़ में पड़े रहते, बेचारे इतना क्यूट रहते, इतना पाउट बना के बैठे रहते, फिर भी उनका कोई सेल्फी नहीं लेता है. आप लोग हाँ उनके साथ एक सेल्फी लो. हाँ मैं सेल्फी. मेरा तो मैं देखूंगी किसका पाउट बेटर है. अरे बिल्कुल, मेरा ज्यादा बेटर. मेरा जो छावा है ना मुकेश, उसने तो अभी डबल डुक्कर खरीदे ला नाले सुपर में. क्यों? हाँ वो ऐसे दो सुअर पे बैठ के नाला सुपर में निकलता है. तो पूरा मार्केट में लोग बोलते वो देखो तीन सुअर जा रहे ले. सच्ची में. और वो आपका गाना है ना, वो बहुत उधर हमारा फेमस है, वो छई छप्पा छई छप्पा के छई. अच्छा, तबू जी के गाने सुनता है? नहीं नहीं, वो डुक्कर धोते तो ऐसी आवाज आती है, छई छप्पा छई छप्पा के छई ऐसा करके. अजय सर, मुकेश बहुत बड़ा फैन है सर आपका. वो आपका पूरा स्टंट कॉपी करते. एक दिन ना हाईवे पे ऐसा बाइक के ऊपर पैर डाल के निकल गया. हाँ, फिर बाद में खंबा आ गया उधर. फिर क्या, वो बैठ के पूरा खंबा पी गया. बेवड़ा है ना वो. अजय सर का इतना बड़ा फैन है ना वो, मतलब वो तो बोलता है मैं इलेक्शन में अजय सर को ही वोट देगा. ऐसा मैं उस पर भड़क गई. मैंने बोला अजय सर किधर खड़े है? बोले वो जिधर भी खड़े उधर वोट देगा मैं उनको. सर अपने घर का लेटर बॉक्स चेक करना, उधर वोट जरूर डाला रहेगा उसमें. हाय. खैर तब्बू मैम, मैं इतनी देर से इतना बात कर रही, आपने मेरे को पहचाना क्या? मैं चांदनी बार में थी. चल झूठी, कहाँ थी तू चांदनी बार में? अरे जब रेड पड़ी थी मेरे को ही सबसे पहले उठा के लेके गए थे वो. अच्छा, आपने साउथ का बहुत फिल्म खेला है ना जी. वो आपका पिक्चर कौन सा था? वो थीरम आदि गरम ओंद्रू. थीरम आदि गरम ओंद्रू. ओंद्रू. हाँ वो 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 पिक्चर से ना मेरा नाला सुपारा में बहुत वट हो गया है मालूम है. वो कैसे? उधर क्या कभी कोई लफड़ा होता है ना, मैं सब बालकनी पे खड़ी होके बोलती है थीरम आदि गरम ओंद्रू, थीरम आदि गरम ओंद्रू ऐसा बोलती है. मैं उन लोग को लगता है कुछ ना कुछ बोले लिए, सब डर के भाग जाते हैं. ऐसा रहता है. बोल ली तूने जितनी बातें बोल ली. कैसे बोल ली? मेरे को मेरे को जरा बैठने, मेरे को ना मसाज का. आ जा. मेरा इधर ना सपना ब्यूटी पार्लर है, तो हम लोग अलग अलग टाइप का मसाज करते हैं मैम. किस टाइप का मन? जैसे सर आपका फिल्म आया था कच्चे धागे, तो हमारे पास कच्चे धागे मसाज है. कैसे? इसमें क्या है मतलब? इसमें हम कस्टमर को पहले सा तेल लगाते हैं, फिर उसके कच्चे से जितने धागे निकल. कच्चे से जितने धागे निकलते हैं उससे हम पहले उसकी थ्रेडिंग करते हैं. और फिर उसका मसाज पूरा करके उसको ऐसे लात मार के भेज देते हैं. कच्चे के बिना? क्योंकि धागे की जरूरत हमको भी पड़ेगी ना थ्रेडिंग के लिए, हमारे पास धागा रहता नहीं है. उसको ऐसे ही भेज देते हैं. ये हम लोग का स्टाइल है. फिर मैम हमारे पास चीनी कम मसाज है. उसमें क्या करते हैं हम लोग, चाइना से दो चीनी मंगाते हैं हम लोग और उनको तेल लगाते हैं और उनको ग्राउंड फ्लोर पे रोड पे खड़ा कर देते हैं. फिर मैं खिड़की पे आती है, बोलती चीनी कम चीनी कम, ऐसा करके चीनी कम मसाज रहता है.
फिर आपके लिए एक और स्पेशल है मसाज हमारे पास, अंधाधुन मसाज है। उसमें क्या करते हैं, कस्टमर को पहले हम रोमांटिक धुन सुनाते हैं। अच्छा। फिर जैसे वो मेरे प्यार में अंधा हो जाता है, फिर उसकी मैं मसाज कर देती हूँ। सर ये तो सुनने लायक है, आप दोनों के लिए दृश्यम मसाज। इसमें क्या है? ये क्या है? इसमें क्या करते हैं, हम कस्टमर को डायरेक्ट बिल थमा देते हैं। अच्छा। तो वो टेंशन में आ जाता है, बोलते हैं अरे हमारी मसाज तो मेरी हुई नहीं है। तो हम उसको याद दिलाते 2 अक्टूबर पंजीम। बाबा जी का संगीत, वहां पर तेरा मसाज हुआ था, ऐसा करके बार बार याद दिलाते फिर भेज देते। फिर हमारे पास एक मसाज है स्पेशल आपके लिए, इंगे एने द कविदय मसाज। इंगे एने द कविदय मसाज। इसमें क्या है? इसमें जैसे आप लोग नहीं समझे, कस्टमर भी कुछ नहीं समझते। तो ऐसा अलग अलग टाइप का मसाज है, आपको जब भी करवाना रहेगा आइएगा मैम। सोचूंगी। हाँ जय सर, चलूँ मैं? प्लीज सर, बोल बच्चन 2 कब बना रहे आप? या तो चलो पिक्चर नहीं चला रहता तो मैं बार बार नहीं बोलती। सही बात है, पिक्चर सुपर हिट है। मैंने आते ही बोला बोल बच्चन की टीम है ये, देखो हम तीनों है ना। तो सर ये उधर तक ही रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी टीम। जब कोई अच्छा सब्जेक्ट मिल जाएगा। जब भी हमेशा बोलते सर आपकी तो फिल्म आती रहेगी, आप आते रहेंगे, मैं आपको हमेशा पकड़ेगी सर, दिलाती रहूंगी मैं, याद दिलाती रहेगी। बाय। रकुल, तबू, अजय सर, आपकी फिल्म तो बहुत पैसा कमाएगी, उससे तो जो कमाई होगी सो होगी, लेकिन हम यहाँ पे आपको मौका देते हैं बहुत सारी चीजें कमाने का, जो हमारा खेल होता है के भैल करोड़पति। नमस्कार, नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खेला में जिसका नाम है के भैल करोड़पति। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो ना बांद्रा से हैं ना खार से, ये तो हैं दे दे प्यार से। सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस, इनको लोग बाजीराव सिंगम भी कहते हैं, ये काफी अमीर हैं इसलिए जुहू में रहते हैं। प्लीज वेलकम अजय देवगन जी। और हमारी दूसरी मेहमान वो जिनका टैलेंट देख के बौखला जाते हैं, चिंटू मिंटू और डब्बू, द वेरी रैविशिंग तब्बू। अगली है वो अदाकारा जिनकी खूबसूरती का बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक गाते हैं लोग गीत, द प्रिटी एंड क्यूट रकुल प्रीत। इसके आगे इंट्रोड्यूस करना तो बनता नहीं है, फिर भी मजबूरन कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट हैं सपना मसाजिस्ट, जो चलाती हैं अपना दिमाग जरूरत से ज्यादा। इन पर रिसर्च चल रहा है कि ये नर हैं कि मादा। अबे ओ कद्दू के कजिन ब्रदर, चपड़ चपड़ जबान में तेरे बारे में बोलूं क्या मैं? आपको पता है अजय सर, जब इसके तबेले में कोई लड़की आती है ना, तो उसको बोलता है मेरे को जानू बोलो, मैं तुम्हें 1 किलो पनीर फ्री में दूंगा। ए, हड़ताल के दिनों में पैदा होने वाली औरत, अगर हम पनीर बांटते हैं तो तुम्हारा दही क्यों फट रहा है यार? मेरे दही के बारे में ज्यादा मत बोलना, तेरा पनीर तोड़ डालेगी मैं इधर, समझा? अजय सर वैसे इस लेडी को आप अवॉइड कर सकते हैं, बाकी आप दोनों तो नारी हैं, उस नाते आप पीट भी सकती हैं इन्हें। यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए हम खेला आगे बढ़ाते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ टेलीफोन ऑपरेटर, एक ट्रंप कॉल लगाना। हाँ हेलो, ट्रंप 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 ट्रंप, हेलो डोनाल्ड ट्रंप, अब मेरे को आपसे एक बात पूछनी थी, ये अमेरिका में हाफूस और चौसा आम का भाव क्या है? नहीं पता आपको? बिल्कुल नहीं पता? अच्छा कुकुर मुद्दा सुना आपने? चिलगोजा? नहीं तो पहले अपनी नॉलेज ठीक करो, अमेरिका बाद में संभालना। फोन रखो मेरा क्या?
अच्छा मैंने किया है तो खबरदार आगे से मेरा फोन उठाया तो हाँ ओ माई गॉड अजय देवगन साहब आए वाह 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 बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के हाँ सिंगम से ज्यादा रिटर्न हमारे शो पे रिटर्न आते हैं ये बहुत हमें स्वागत है आपकी फिल्में इतना पैसा कमाती हैं गोल्ड मार रिटर्न सिंगम रिटर्न एक दिन देखना आपकी फिल्म आएगी इनकम टैक्स रिटर्न है तबू जी भगवान के लिए मुझे हक दे मुझे गले लगा के बड़े बड़े स्टार्स को जला दो तबू आप बोलो हुक हुक रुक 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 अरे तबू जी क्यों ना आज इस दोस्ती को किश्तेदारी में बदल दिया जाए किश्तेदारी क्या होती है रिश्तेदारी होती है मुझे अपनी किश्तें भरनी है मैं आपकी मांग भरता हूँ आप मेरी किश्तें भर देना और अंकल आप ना जरा अपना स्टेटस देख के बात किया करो मैं स्टेटस देख के बात कर रहा हूँ नकली औरत मैं आज का मेरा स्टेटस है हैशटैग फ्रस्ट्रेटेड दूल्हा ए बकवास मत करना ज्यादा आपको पता है तब्बू जी को कॉलेज में कोई छेड़ता था ना हाँ। तो अजय सर उसको बहुत पीटते थे अच्छा हाँ। मैं तो रकुल से मिलने आया मैं तो आया नहीं तब्बू जी से मिलने आप मुझे बड़ी प्यारी लग रही है थोड़ी सी शादी मैं आपसे भी कर सकता हूँ थोड़ी सी शादी क्या होती है थोड़ी शादी जैसे वो लड़का लड़की माँ बाप को झूठ बोल के जाते ना कि हम कई दोस्त के घर जा रहे हैं और चले कहीं और जाते हैं आइसक्रीम खाने उस हिसाब से थोड़ी सी शादी यार अरोरा साहब द्वारा की हुई हर बात पे हम पानी फेरते हैं ओए खबरदार इधर सुसु किया दो बकवास करता है बात कर रहे हैं हम अभी कह रहे हैं अच्छा तो सीधा बोलना पानी फिरते अंकल अंकल आपने वो एवेंजर्स के थानोस के बारे में सुने लाए हाँ तो उससे जाके मार खाओ ना चलिए हम खेला शुरू कर रहे हैं अब खेला शुरू करने से पहले आपको बताते हैं आपकी फिल्म का जो है टाइटल है दे दे प्यार दे वहां पर आप अपनी फिल्म में प्यार मांग रहे हैं तो इसलिए आज हम भी आपको धनराशि नहीं देंगे प्यार में उपयोग होने वाली कुछ अच्छी वस्तुएं आपको दी जाएंगी इनाम में फॉर एग्जाम्पल रेड रोज प्यार के बड़े काम आता है तो एक रेड रोज के लिए पहला सवाल यह रहा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे पहला सवाल है सिंगम फिल्म में आपका डायलॉग है सर कि मेरी जरूरत कम है इसलिए मेरे जमीर में दम है तो यहां पर हम जानना चाहते हैं कि आपके जमीर में जो दम है वो कौन सा दम है ऑप्शन ए दम मारो दम वाला दम ऑप्शन बी दम लगा के हैसा वाला दम ऑप्शन सी दम आलू वाला दम या ऑप्शन डी ये वाले ऑप्शन में दम नहीं है तो हम ऑप्शन दे ही नहीं रहे मैं एक मिनट सोनी साहब से बात करना चाहता हूँ हेलो सोनी साहब कैसा भाई याद होस्ट रखा है आपने ऑप्शन भी पूरे नहीं है बोलता है खेला शुरू करेंगे खेला उस दिन धोती बांध के नहीं आया मेला शुरू हो गया था इधर हाँ आज की इसकी पॉकेट मनी कैंसिल करो 10 रुपए भी नहीं देना इसको भाई याद आदमी क्या आप लंबी लंबी फेंकते रहते हैं यार इतना फेंकने का शौक है बाहर जाके कूड़ा फेंक किया ना वाह डस्टबिन खुद बोल रहा है कूड़ा फेंक गया यूसी सर कैसा दिल जले टाइप के लोग लेके बैठे हैं हम यहाँ एनीवे सर कौन सा ऑप्शन सही है मैम बताइए क्या लगता है आप दम मारो दम तो हो नहीं सकता क्योंकि सिंगम तो कभी दम मारता नहीं है दम लगा के हाइशा बी दम लगा के हाइशा लेट मी चेक अफसोस आपका यह जवाब बिल्कुल सही है आप जीतते हैं ये लाल गुलाब प्लीज हैव इट ओए बिल्कुल ऐसे फूल मत ले जाइए बदतमीज आदमी क्या कर रहे हैं आप ये फूल ले जा ये इस जाड़ी से फूल कभी नहीं लेना है पैसे मांगता है बाद में एक फूल और होता मैं आप इधर देखो है एक फिल्म आई थी क्या कुल है आपको लेके मैं फिल्म बनाऊंगा क्या रकुल हो तुम ये गमला आप ये फूल इस्तेमाल करने के बाद गमला मेरे को देना है चल भाई शुरू कर क्या शुरू कर क्या मतलब यहाँ पर ए भाई यहाँ पर आप तबू जी को प्रपोज कर रहे हैं अब रकुल जी को प्रपोज कर रहे हैं कुछ ईमानदार है कि नहीं आपका इन्होंने अपनी फिल्म में बोला है पुरानी गाड़ी के अपने फायदे नहीं का अपना मजा है
अंकल हाँ अंकल आपको पता है एक बार ना मुर्गी ने ना समुंदर के बीच में अंडा दिया. अच्छा. हाँ उसके अंदर से ना दो हाथी निकले. अच्छा. फिर उसको देखकर धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट मारा. अच्छा. और फिर वो शॉट देखकर अजय जी ने गाना गाया. ये क्या बकवास बातें कर रही हैं. तो आप कौन सा इधर जीएसटी का फॉर्म भरना सिखा रहे हो. आप भी तो बकवास ही कर रहे हो. ये औरत तेरे बारे में बता दूंगा मैं. जेंट्स टॉयलेट में जाती है. चलिए अनप्लान्ड मनुष्य थोड़ा सा शांति का परिचय दीजिए प्लीज. इट्स अ रिक्वेस्ट. तो हम खेल आगे बढ़ाते हैं. तो जैसे कि देखा गया है तबू जी अजय जी रकुल जी अक्सर ऐसा होता है कि जब रोमांस होता है दो लोगों के बीच तो वो कैंडल लाइट डिनर पे जाते हैं. तो हमारा जो अगला सवाल है वो कैंडल लाइट डिनर के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे. सवाल है तबू जी एक बहुत ही चर्चित गीत था आपका मुझे रंग दे मुझे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे. काफी अग्रेसिवली काफी क्वांटिटी पे रंग मांगा है आपने इसमें. सवाल यही है अग्रेसिवली कि आप रंग क्यों मांग रहे हैं. व्हाई. ऑप्शन ए क्योंकि आप रंग लेकर होली खेलना चाहती हैं इसलिए रंग दे. ऑप्शन बी ये रंग लेकर रंगारंग कार्यक्रम करना चाहती हैं आप इसलिए रंग दे. ऑप्शन सी ये रंग लेकर आप गिरगिट की तरह रंग बदलना चाहती हैं. या फिर ऑप्शन डी ये रंग आप इसलिए मांग रही हैं इसे लेकर आप रंगून जाना चाहती हैं. मुझे पता है. आपको क्या पता है. ये रंग इसलिए मांग रही है ताकि दे दे प्यार दे फिल्म में नई गाड़ी को रंगे हाथों पकड़ सके. अंकल जी अंकल आप ना सांप को लस्सी पिलाया करो. सांप लस्सी पीता ही नहीं दूध पीता है. हाँ तो जैसे आप लस्सी दिखाओगे गुस्से में आपको डंक मारेगा आप शांत हो जाओगे. ऐसा करो मजा आएगा बहुत. नेवले के मुंह से जामुन छीन के खाने वाली औरत ऐसी बद्दुआ दूंगा तेरे घुटने पे मुझे निकल आएगी. फिर तेरा बॉयफ्रेंड ताप दे के निकल जाएगा उसको. क्या बात किया है. इनको इग्नोर करते हैं. तो इतना रंग क्यों मांग रही हैं आप. उस जमाने में सस्ता मिलता था ना सर. सस्ता मिलता था इसलिए एकदम बल्क में मांग रहे हो. लेट मी चेक. इस बार तो सही जवाब दे दिया है आपने. बहुत खूब. आप कैंडल लाइट डिनर के लिए कैंडल जीतते हैं लेकिन लेकिन हम आपको एक कैंडल देंगे नहीं. पूछे क्यों. क्यों. क्योंकि हमें पता है कि आप लोग काफी एकदम फिटनेस फ्रीक टाइप के लोग हैं. आप लोग 7 बजे से पहले ही खाना खा लेते हैं. अब अंधेरा होता ही नहीं है तो कैंडल का करेंगे क्या. सो नो कैंडल कैंसल. अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. अगला सवाल जो है वो हम पूछेंगे ये एक नारियल विद 3 स्ट्रॉ के लिए. रोमांस देख रहे हैं आप सर. 2 स्ट्रॉ नहीं 3 स्ट्रॉ मिल बांट के खाइए. वी एडेड रोमांस मतलब. तो एक नारियल और 3 स्ट्रॉ के लिए अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे. सवाल है आप लोगों की फिल्म है दे दे प्यार दे. हम सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं कि इस फिल्म में अभिनेता अभिनेत्री से कितना प्यार मांग रहे हैं. लाइक क्वांटिटी हाउ मच. आपके ऑप्शन है ए जितना हम फ्री में धनिया मांगते हैं नॉर्मली उतना ही प्यार मांग रहे हैं. ऑप्शन बी जितने में कोई देख ना ले उतना प्यार सही है. ऑप्शन सी जितनी उनकी श्रद्धा हो अभिनेत्री की उतना प्यार दे दे अभिनेता को कोई ऐसी आपत्ति नहीं है. या ऑप्शन डी जीएसटी और टीडीएस काट के जितना बचता है उतना प्यार दे दे. कहां बचता है आजकल केवल. अच्छा है जीएसटी टीडीएस काट के. जी वही है सर. वही है सी. हां सी. आप लोगों को क्या लगता है. मेरे को ये लगता है प्यार कोई खिलौना नहीं है कि जो मांगो तो मिल जाए. इसके लिए बहुत सारे पापड़ बेले पड़ते हैं. तो कॉफी पिलाओ शॉपिंग कराओ पिक्चर दिखाओ बाबू सोना बेबी सोना मेरे बेबी ने खाना खाया के लिए ले 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 ये सब करो. कितनी भी बड़ी औरत ऐसे उनको ले 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 बेबी बोलना पड़ता है. इतना सब करने के बाद इतना ज्यादा प्यार मिलता है. मेरे को पसंद नहीं आया ये सवाल. आपको आपको करना पड़ा ये सब. हाँ करना पड़ता है. मिला के नहीं फिर ना फिर भी चली गई. अंकल हाँ आपको मालूम है ये जो घोड़े का जो पिछला पांव होता है हाँ
उसको छूने से क्या होता है? वो दुलती देता है। कभी टाइम निकाल के खाओ ना। नहीं, मैंने सुना है कि दुलती खाने के बाद आदमी 6 महीना शांत रहता है। आप दोनों के लिए हमारे दिल से एक बात निकली है। क्या? Shut up! तो लीजिए आगे बढ़ाते हैं। आपने बताया ऑप्शन सी। Let me check. पहले 2 बार तो हंसी मजाक हो गया, लेकिन इस बार भी सही जवाब दे दिया है आपने। कमाल का काम किया आपने यार, मजा आ गया। ये लीजिए, आप जीतते हैं ये ना, लेकिन ये नारियल भी हम आपको दे नहीं सकते। क्यों? ये नारियल में पानी है ही नहीं। क्या है कि हमारे घर में जो है सुबह 7 बजे ही पानी आता है, तो हम भरना भूल गए थे। तो इट डजंट हैव, तो आप लोग जो भी जाके खुद खरीद के पी लीजिएगा, और खरीद ही रहे हैं बाय चांस तो 1, 2, 3 लीजिएगा, 1 शेयर कर लीजिएगा, 2 हमें भेज दीजिएगा। आई एम अ वेरी प्यासा आदमी है। और इसको स्ट्रॉ मत देना, ये अपनी चोटी से पी लेता है ऐसे करके। ये कहां से लाते हैं ये वाहियात बातें जो आप लाते हैं ना, कहां से लाते हैं आप? ये समुद्री रास्ते से बाहर देश से मंगवाते हैं। ए तो बार बार इधर मुड़ के इसको काय को छेड़ता है रे? तेरे को मालूम है ना, इसको 1 बात बोलो तो 50 बात बोलता है सामने से। अब ये इधर आथू बोलेगा, अच्छा लगेगा क्या? हाँ, थैंक यू याद दिलाने के लिए आथू। मैं भी कितनी देर सोचूं, मेरा मुंह मुझे गीला गीला सा क्यों लग रहा है? मैंने थूका नहीं था। आथू। एक बार फिर सर इन्हें इग्नोर करके, यार ये कुर्सी कैसी है यार? ये कुर्सी जब लाए थे इतनी बड़ी थी, इसने बैठ बैठ के इतनी कर दी। एक दिन आएगा खड्डे में चला जाएगा और फिर दादर में से निकलेगा ये। अजय सर, अक्सर ऐसा देखा गया है, कहा गया है कि लड़का लड़की जो है जब प्यार में होते हैं तो लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, फिर प्यार भरी बातें करते हैं, खाना पीना खाते हैं, उसके बाद समझदार हैं आप, जो भी होता है होता है, ठीक है। तो अब हमारा जो अगला सवाल है वो नाला सोपारा तक की एक लॉन्ग ड्राइव के लिए, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन जी, आपकी फिल्म दिल जले में आपका दिल जला तो क्यों जला? आपके ऑप्शन है ए, जो दिल था वो गोवा बीच पर बिना सनस्क्रीन के चला गया तो बेचारा जल। ऑप्शन बी, किडनी की तरक्की देख के जल रहा है कि वो 2 क्यों है, मैं 1 अकेला क्यों, तो इसलिए जल रहा है दिल। ऑप्शन सी है, भीगी भीगी रातें हैं इसलिए जल गया क्योंकि जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में। या ऑप्शन डी, ये सोच के जल गया कि जल ही जीवन है। प्रोफाउंड। ये इतना बेवकूफ आदमी अर्चना जी ऑप्शन दे के पूछ रहा है, ये नहीं कि सामने बैठे उनसे पूछ ले, मासी के लड़के से ऑप्शन बनवा के लेके आया, सर पे इतना झाड़ उगा रखा है, फिर कितनी बार कहा थोड़ा धनिया उगा ले, बाल तो बकवास करता रहता है। मैं तुझे 1 घंटे के लिए बैन करता हूँ। बैन? हम नहीं खेल रहे हैं सर ये खेल। हम नहीं खेल रहे हैं। हर बार हमारे साथ ऐसे ही करते हैं। मेरे को माफ कर दे। बात नहीं। माफ कर दे। क्या खाएगा बता? जूस पिएगा? हाँ। हेलो, 1 गिलास जूस लेके आओ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.